पुरोहित कौन होते हैं? जो अपने आचरण से सिखाते हैं उनको पुरोहित कहते हैं, केवल लक्ष्य प्रवचन से नहीं। तो जो व्यक्ति यज्ञ करता है उनकी भावनाओं की जीवन में उतारता है, उसको इसी जन्म में आगे कुछ नहीं करना है, रिद्धियां और सिद्धियां दोनों प्राप्त हो जाती है। सिद्धि किसको कहते हैं? असाधारण सफलता को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन लाइफ। आपने किसी कार्य को शुरू किया, साधन उतने नहीं है, उद्देश्य हमारा ऊंचा है, सब पूरा होता हुआ चला जाएगा, दैवी शक्तियां उसमें सहयोग करेंगी, आप सफल हो जाएंगे। और रिद्धि कहते हैं अंदर के आनंद को, अंदर का उत्साह, शांति, प्रसन्नता, निर्मलता, आनंद, आत्मीयता सबको मिला दीजिए, इसी सब नाम रिद्धि है। ये दोनों मिलती है। अगर आपको प्रमाण देखना हो तो परम पूज्य आचार्य जी, पूज्य गुरुदेव, इसके प्रमाण है इस पृथ्वी के ऊपर। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, मैंने आनंद भरा जीवन जिया है। 86 खंडजोत पत्रिका आप देखें, 84 खंडजोत पत्रिका जून की, मैंने आनंद भरा जीवन जिया है। जहाँ इतना बड़ा काम चल रहा हो वहाँ उनको कोई चिंता नहीं, अब सिद्धियाँ और सिद्धियाँ उनके पीछे पीछे चल रही हैं सब। क्यों? क्योंकि यज्ञ पुरुष हैं। तो गुरुदेव क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं प्रतिदिन हम लोग यज्ञ करें और देवताओं को अपनी भावना दें। देवता मतलब देने वाला, देवता कोई व्यक्ति नहीं है, सद्गुण है, वो सारे सद्गुण चल रहे हैं, चारों तरफ मौजूद है। और उसका निकटतम स्थान क्या है? हमारा हृदय। आप देखिए हर व्यक्ति अगर कोई किसी को धोखा दें, धोखा दें या कोई हमको दे, कितना खराब लगता है, झूठ बोले कितना खराब लगेगा। क्यों? उसको हम चाहते नहीं। कौन नहीं चाहता है? अंदर वाला नहीं चाहता। तो अंदर वाला जिस बात को, गलत बात को नहीं चाहता है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब, भाग मतलब श्रेष्ठ, कलेक्शन ऑफ वर्चूज। हर मनुष्य के अंदर वो गुण बैठे हुए हैं, परिश्रम का, अहिंसा का, त्याग का, सेवा का, संयम का, पवित्रता का, न्याय का, यही परमात्मा का गुण है और हमारे आप अंदर बैठा है। तो जिस समय आप यज्ञ करते हैं ये, तो इन्हीं सद्भावनाओं का, गुणों का विकास हो जाता है। और जब इन सद्गुणों का विकास होता है, इसी के नाम है आत्मबल, अपना बल ये, इसी कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो जो आदमी इस दुनिया में सफल होता है वो इसी आत्मबल के कारण होता है। मनोबल से नहीं, मनोबल तो चले गए, लेकिन बौद्धिक बल से कोई सफल नहीं हो सकता, उसमें तो काट छाट होती रहेगी। लेकिन आत्मबल सारे बलों के ऊपर होता है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए? आप नियमित पवित्रीकरण करने के बाद इस थाली को आप ये मान लीजिए कि ये थाली क्या है? यज्ञ कुंड है ये। अभी तो बहुत बड़ी है ये, आप छोटी प्लेट रखिएगा, यज्ञ कुंड मान लीजिए। और ये दीपक है ये। पवित्रीकरण करके, स्वस्थ वाचन करके, गुरु आह्वान करने के बाद अब आप दीपक जलाएंगे। अब आज हम जला करके आप दिखा दे रहे हैं, कभी नियमित क्रम आपके घर में चलता रहेगा। फिर आप हमको फोन करके बताना मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और सामाजिक क्या अंतर आना शुरू हो जाता है। ओ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुरानि वेद्वान युयोधस्मज्जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अग्नि का पूजन करने से ओम अग्ने नम आवायामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कारं करोमि। बस अब सीधे आपको 3 से 5 बार यन मंडलम करना है, 12 बार नहीं करनी इसमें, समझते में 3 पहले का करिए और 2 लास्ट का कर दीजिए। अब फिर आपको 12 बार गायत्री महामंत्र की आहुति डालनी है। अभी केवल हम 3 बार डाल के आपको बता देते हैं। जल की आहुति, जल श्रद्धा का प्रतीक है। और जब अगर इसको जलाते हैं ठीक इसी समय एक अगरबत्ती जला देते हैं, इसको आप दूसरे उसमें लगा देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं अब आप अपने बच्चों का याद ये तो नहीं कर रहे नहीं है, अभी सेटल नहीं हुए हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं सब, उनके चेहरे का ध्यान करते हुए अलग अलग आप ध्यान करेंगे, अपनी बच्ची का ध्यान करेंगे बिल्कुल मन जैसे उसका चेहरा बैठ जाए, और फिर एक एक बार आवती उनके लिए डालेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब जैसे मान लीजिए कि आप तीनों जने नहीं कर रहे हैं, आप की ओर कर रहे हैं, परिवार अपना है, सब अपने, तो अलग अलग आप अपने सभी बच्चों का ध्यान करते हुए आप आहुतियाँ डालेंगे उसको। विषय क्या होगा? इनका भविष्य उज्जवल हो, जीवन में सेटल हो जाए, ये भाव करें हे गुरुदेव आपके बच्चे हैं ये, हमको केवल पालन पोषण की जिम्मेदारी हमको मिली हुई है एक सेवक के रूप में, लेकिन क्यों बच्चे भी छोटे हैं, प्रार्थना करने का हमारा अधिकार है आपसे, इसलिए ऐसा हम करते हैं। ये मन भाव बना लीजिए। अब तीन बार महामृत्युंजय मंत्र, एक अपने लिए, अपने का मतलब दोनों एक आत्मा होकर पति पत्नी, एक अपने परिवार के सारे सदस्यों के लिए, तीसरा समाज के लिए। ओम त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां वेत्युर्वशीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं अब देखिए आवतियाँ कहाँ डालना है, ये दीपक जलाना है, ये गुरुदेव माता जी की आत्मा है, वो जो लिखा है 88 अखंड ज्योत पत्रिका जनवरी महीना पेज नंबर 30 के ऊपर, सही छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं है, छोड़ने के बाद हम अखंड दीपक ज्वलंत ज्योत में व्याप्त हो जाएंगे, वो मेरी प्रतिमा होगी। तो माता जी गुरुदेव जी स्वयं हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भाव बना लीजिए, उनके चरणों में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें जल के माध्यम से। हो गया बस, यह तो पूरा हो गया। अब आप ऐसे त्रयम्बकम बच्चों के लिए भी दो बार डालिएगा, तीन हो गया, तीन दो पाँच, और 12 डालना है तो 15 बार गायत्री मंत्र करिएगा, 5 बार इससे। अब ये अगरबत्ती जल रही नहीं, अब दूसरी अगरबत्ती जला लें आप, सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, सुबह हाँ शाम। अब दूसरी अगरबत्ती है ये, अब इसे संक्षिप्त आरती है। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तमिदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमर्तः स्थूलमन्तो देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा।
ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो यशान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब इसको करके अभी आरती आप सबको दे दीजिए। लोड रोजस आरती सबको दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। अब देखिए ये जो ये भस्म गिरा ना, देखो ये भस्म गिरा ना इसके ऊपर, ये अब थोड़ा इसमें लंबी पुष्प करना, जिससे भस्म उसमें गिर जाए, चावल भी कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं करना। अब इसी भस्म को जो भस्म धारण करते हैं ना ये, अब इससे तो अभी कम गिरी हुई नहीं है, क्या आप शांति को रख सकते हैं इसमें मिला। अब ऐसे उंगली में लगा के अभी इतना बहुत है। अब आप सभी लोग चार जगह भस्म को धारण करें, लो दे दो मिश्र जी आप, बस हाँ थोड़ा थोड़ा लगा लो बस। अब चार जगह मंत्र के बाद केवल गायत्री मंत्र पढ़ के ही लगा सकते हो। माथे पर लगाते हैं ओम त्रायुष्यम जगदम्बिके ललाटे, जो सोचेंगे विध्यात्मक सोचेंगे, ये बिल्कुल भाव उठ तभी करना उसको। गले पर वाणी हमारी थोड़ी होगी और सबकी भली के लिए बोलेंगे। दाहिनी भुजा पर शक्ति आएगी तो मारने के लिए नहीं, उठाने बचाने के लिए, हृदय में धारण करते हैं। बस खत्म हो गया। क्षमा प्रार्थना, क्षमा पूरा नहीं करना। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर। गुरुदेव का ध्यान करते रहिए, तो वही व्याप्त है उसमें। साक्षात प्रभु पृथ्वी पर आए, आपको पढ़ना हो तो आप पुस्तक पढ़ लीजिए हमारी वैसे तो विरासत, उसमें गुरुदेव लिखते हैं ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म। फर्स्ट स्टैंजा में गुरुदेव लिखते हैं नीचे की लाइन में, जन्म उसको अनेक लेने पड़े हैं, यही जन्म एक ऐसा है जिसमें एक शरीर नर पशु की है और एक सीधे नर से नारायण की है। अंदर और नर सीधे नारायण पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अब उनके वचनों में विश्वास नहीं है तो फिर शिष्य का नहीं बेकार है, न कहे तो ठीक है, क्या फायदा है। बस उसके बाद उन्हीं के ध्यान करते हुए बात खत्म होगी। ये तो पूरा हो गया, अब प्रार्थना कर लीजिए। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमापनुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजम् आयुष्म आरोग्यं देहि मे हव्यमान। ये जरूर प्रार्थना करना। जानते हैं क्या कहते हैं, श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, हे परमात्मा आपको श्रद्धा दीजिएगा, यश तो आपका बढ़े। अब लास्ट में जानते हैं क्या, देहि मे हव्यमान, हे परमात्मा हमको हव्यमान मतलब शरीर, हमारी शरीर को आप स्वस्थ बनाइए, ये मेरा वाहन है। ये जब तक आप मांगेंगे नहीं वो देने वाला है नहीं, वो ना कुछ नहीं मिले मेरा प्रार्थना के, वो प्रेरणा भी देते जाएंगे तो आप ऐसे बनते जाए। बस ये अब शांति पाठ कर दिए। ओम देहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाश्रय शांति भवतु। बोले प्रभु गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की, राधा गुरुदेव की, गायत्री की शांति की, मथुरा की, युति सावंतरा की, 21वीं सदी उज्ज्वल, 21वीं सदी उज्ज्वल। वंदे वेद मातर वंदे देव मातर वंदे विश्व मातर। समाप्त। अब आप देखिए, अब इसको आप ले लीजिए, अब इसमें तो ये सब गिर गया है ना, अब इस जल थोड़ा सा हम ले रहे हैं बस ये। अब इसको आप इस सब मत बनाइए, सबसे क्लीन प्लेट होनी चाहिए, इसमें मिला लीजिए
अब जाओ उसका सूर्य दान करके आओ, सूर्य दान करिए, आधा बचा लीजिए, वही प्रसाद सबको दिया जाएगा, यही सूर्य भगवान का प्रसाद है। आप बताइए और बताए ना वहाँ, इसीलिए जब तक करेंगे नहीं मिले कहाँ से। मतलब अपन को उसको में दीपक जलाते 11 बार 12 बार एक अपने परिवार समाज व्यक्ति हो गया, फिर तो अपने लिए जाने, फिर बच्चों का ध्यान करके 3 बार माँ मृत्युंजय, 3 तो अपने लिए, 2 बच्चों का, बस चलना है यार, थक गए बहुत ज़्यादा, अब चलो वहाँ चलते, वहाँ चल के